ये लो। ये क्या है बाबू? तुम्हारे हनीमून की टिकट। पुत्र, तुम्हारे बाबूजी ने ना तुम दोनों के हनीमून के लिए यूरोप का टूर बुक किया है। कुछ भी कर लो, तुम दोनों को हनीमून पे तो जाना ही पड़ेगा। बाबूजी, वो पोदार जी का फोन आया था आज, उनकी डील लॉक कर देते हैं आज, काफी देर से मामला अटका पड़ा है। मेरी पोदार जी से बात हो गई थी, मैं सारी बात कर लूंगा, तुम यूरोप जाने की तैयारी करो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, रणबीर ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस हनीमून मनाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, इसमें समझने वाली क्या बात है, हमारी शादी हुई है, अभी हम पति पत्नी हैं, और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ हनीमून मनाने हैं। और रिजॉर्ट के इस शानदार कमरे में अकेले हम, अकेले तुम। रणबीर प्लीज, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, प्लीज वहीं रुक जाओ रणबीर। नहीं सिमरन, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, बीवी हो तुम मेरी, सारी बिरादरी के सामने शादी हुई है हमारी। नहीं रणबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं सिमरन, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और मैं क्यों ना करूं? क्योंकि क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो रणबीर। दोस्त नहीं सिमरन, हस्बैंड हो, हस्बैंड, पति देव, और पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। रणबीर क्या हो गया तुम्हें? तुम अपना वादा भूल रहे हो रणबीर। मुझे कोई वादा याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी। आओ आओ मेरी बाहों में आ जाओ, कम ऑन। नहीं रणबीर, नहीं रणबीर, नहीं रणबीर, कम ऑन सिमरन। नहीं रणबीर प्लीज, नहीं सिमरन, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपसे बाद में बात करता हूं। यप, कम इन। हेलो सर, आई एम चौधरी, इस रिसोर्ट का मैनेजर। हेलो मिस्टर चौधरी। हेलो सर। हेलो मैम। सर कैसा लगा आपको हमारा रिसोर्ट? वेल, अभी तो आए हैं, इतना देखा अच्छा है, आगे देखते हैं। जी सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे भी आपको सब पसंद आए।
मिस्टर सिंह, आई एम सरप्राइज, आपने अपनी बुकिंग में अपनी नई नई शादी का जिक्र नहीं किया। क्यों मिस्टर चौधरी, क्या ये जरूरी है कि हम अपनी हर पर्सनल बात पब्लिक करें? नो नो सर, डू नॉट टेक इट अदरवाइज। दरअसल सर, मेरा मतलब ये था कि हम नए नए शादीशुदा जोड़ों के लिए स्पेशल हनीमून पैकेज प्रोवाइड कराते हैं सर, और वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट सर। ओ सर, अगर हमें पहले पता होता तो आपके वेलकम से लेके रूम डेकोर तक सब कुछ हनीमून थीम पर अरेंज करते सर। नहीं नहीं मिस्टर चौधरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका वेलकम हमें वैसे भी अच्छा लगा। दिस रूम इज क्वाइट कंफर्टेबल एंड रोमांटिक है ना, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जो हुआ सो हुआ सर, फॉर रेस्ट ऑफ योर स्टे सर यू विल गेट दैट स्पेशल ट्रीटमेंट सर। अरे नहीं नहीं मिस्टर चौधरी, आप तकलीफ ना करें। अरे सर, तकलीफ की क्या बात है, ऐसी शादी रोज थोड़ी होती। पूल साइड पर आप दोनों के लिए स्पेशल डिनर का अरेंजमेंट करवा रहा हूं सर। ठीक है मिस्टर चौधरी, हम जरूर आएंगे। एंड थैंक्स फॉर योर जेस्चर। यू आर वेलकम सर, हैव ए नाइस डे। क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि पाऊजी ने जो ईशान के साथ किया, क्या वो सही है? ये तो अपना अपना सोचने का नजरिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या कहता है? वेल, अगर पाऊजी की जगह आकर खड़े हों तो लगता है कि पाऊजी सही है, और अगर ईशान भैया की जगह आकर खड़े हों तो लगता है जैसे वो सही है। लेकिन बाऊजी को ईशान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर उनके बेटे हैं। लेकिन बाऊजी ने जो भी किया वो आपकी वजह से किया। ईशान भैया ने जो उस दिन आपके साथ किया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो, जो ना चाहते भी उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा हो। अब ये तो ईशान भैया ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ, बाऊजी ईशान भैया को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ईशान भैया ने जो बाऊजी के साथ किया वो बाऊजी बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन है तो उनके बेटे हैं, और ये बात तो झुठलाई नहीं जा सकती ना। हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन हम सब ने बाऊजी को समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने, अक्कू ने, मम्मा ने, पर वो किसी के नहीं माने। और मैं जानता हूँ बाऊजी की जिद को, अब तो सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ दिया है, शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। ईशान कितने अकेले पड़ गए होंगे, और अभी कोई भी उनके साथ नहीं है, और मेरी मजबूरी कि इस वक्त मैं भी उनका साथ नहीं दे सकती। नहीं सिमरन, ऐसा नहीं है, हम सब ईशान भैया के साथ हैं, बशर्ते अगर वो हमारा साथ चाहे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता तानिया के रहते उन्हें हमारी कोई कमी खलेगी। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, ऐसे हालातों में सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ जो खराब होता है वो वक्त के साथ अपने आप ठीक भी हो जाता है। चलिए, इधर स्विमिंग पूल है, उधर चलते। वाओ, नाइस। रणबीर, आपने ऐसी मस्ती की है? नहीं बाबा, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने वाली क्या बात है, चलिए ना करते हैं। अरे अभी कपड़े खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, बाद में आते हैं। पक्का? पक्का। ठीक।
रणबीर, आपको नहीं लगता कि सब कुछ वक्त के भरोसे ना छोड़ा जाए, बल्कि आपको और आकांक्षा को ईशान से जाकर एक बार मिलना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। यूँ वक्त के भरोसे हम कब तक बैठे रह सकते हैं? और वैसे भी क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ वक्त के भरोसे ईशान का इंतजार करते रहूंगी? ये तो सही नहीं है ना रणबीर। ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। रणबीर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने सुना है कि शहर में सबकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। हाँ, सबकी तो नहीं लेकिन कुछ की होती हैं। तो आपकी भी है? हाँ, मेरी भी है। आपने पूछा नहीं मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है मेरा काम। काम? जी। जानते हो सिमरन, अगर मैं दो दिन भी ऑफिस ना जाऊं ना तो मुझे बेचैनी से हो जाती है, किसी चीज में मन नहीं लगता। और अगर मैं ऑफिस जाता हूं तो एक खुशी सी मिलती है, काम करके अच्छा लगता है। आप ये कह लीजिए कि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। और वैसे भी जिस चीज से हम प्यार करते हैं वही तो हमारी गर्लफ्रेंड होती है ना। सर, आपके घर से फोन आया है, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मैं अभी आता हूं। मैनेजर साहब, मेरा फोन। आपका फोन? मैंने तुम्हें बोला था समीर सर का फोन है। तुम रणबीर सर को बुला के लेके आए? जाओ समीर सर को बुलाओ। आई एम सॉरी सर, वो थोड़ा नेम में मिस्टेक हो गया। समीर सर, इट्स ओके। क्या दीदी, सच में? अरे वाह, मां बाऊजी जल्दी आइए। मां बाऊजी जल्दी आइए। ओ क्या हुआ चंचल पुत्र, क्यों रोड़ा पाया? कितनी बड़ी हो गई है पर बचपना नहीं गया इसकी। हाँ, पूरे घर को सर पे उठा रखी है। बोल क्या बात है? आकांक्षा दीदी का फोन आया था। सच? क्या कह रही थी वो? सिमरन कैसी है, और रणवीर जी, और सुखी भाभी, और सब घर वाले कैसे हैं? ओफो,
एक ही सांस में इतने सारे सवाल और मुझसे कहते हो पूरा घर सर पर उठा लेती हो। और खुद देखो सिमरन दीदी के ससुराल से फोन आती कैसे। अच्छा सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है। वीरेंद्र अंकल, सुखी आंटी, आकांक्षा दीदी, मामा मामी और वो उनका नमूना बॉबी है ना, सब ठीक है। अच्छा और सिमरन और रणबीर जी? वो भी ठीक ही होंगे क्योंकि उनसे तो मेरी बात ही नहीं हो पाई। क्या बात ही नहीं हो पाई मतलब? हाँ क्योंकि वो दोनों घर पर थे ही नहीं ना। अरे घर पर नहीं मतलब कहीं गए होंगे, वो शहर में क्या कहते हैं शॉपिंग वॉपिंग कर रहे। अरे शॉपिंग वॉपिंग नहीं, दोनों हनीमून के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा हनीमून। हे माता रानी, हे वाहेगुरु सच्चे बादशाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी बेटी के दामन में खुशियां भर दी। अक्कू ये क्या है पुत्र, सारा दिन तू ऑफिस से थक के घर आती है और घर आकर भी बिजी। पुत्र जरा रेस्ट भी कर लिया कर। कुछ खास नहीं मामा, एक केस की डिटेल बना रही हूँ। कल डेट है ना कोर्ट में, बहुत थक गई होगी ना, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ क्या बात है मामा, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। हाँ पुत्र खुश थे मैं बहुत, हाँ क्योंकि जब से रणबीर और सिमरन ना हनीमून पर गए हैं ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिल से ना कोई बोझ सा हल्का हो गया है। वरना जब से ईशान अमेरिका से लौटा है तब से ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। आप सही कह रही हैं मामा, पर आपको आज इतना खुश देख के ना मुझे बहुत खुशी हो रही है मामा। ये सब तेरी और रणबीर की वजह से है, भगवान तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दे। पुत्र मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो तुम जैसे लायक बच्चों की माँ हो। नहीं मामा, भाग्यशाली तो हम हैं, हमें आप जैसे माँ बाप मिले। आपने और बाऊजी ने हमें कितनी अच्छी परवरिश दी है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, हमें इस लायक बनाया है। काश ईशान भी। बस मामा पुरानी यादों को याद करके अपनी खुशियों को कम मत कीजिए। तू ठीक कह रही है पुत्र, पर मुझे तो यकीन नहीं होता कि ईशान भी ऐसा कर सकता है। तो लगता है वो हमारा खून है ही नहीं। अच्छा चल मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाती हूं। मामा हमारी तरह वो भी आप ही का खून है, आज नहीं तो कल सही रास्ते पर आ ही जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो सुबह के भूले हैं, शाम को तो लौट ही आएंगे। तो सिमरन जी कैसा लग रहा है आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट? पता नहीं, मैं जितना इस माहौल से दूर रहना चाहती हूँ उतना ही पास आना पड़ता है। जैसे? जैसे यहाँ आने की बात ही ले लीजिए, मैंने सोचा था कि अगर दो चार दिन परिवार से दूर रहेंगे तो ये पति पत्नी का नाटक नहीं खेलना, और सिमरन बनकर पूरा ट्रिप एंजॉय करूंगी। लेकिन अब वो मैनेजर के बच्चे ने फंसा दिया। क्या हुआ अब ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? नहीं दरअसल
सोचकर तो मैं भी यही आया था, लेकिन आपके चूड़े ने सब गड़बड़ कर दिया। चूड़े ने? कैसे? वो ऐसे कि जब हमारे रिजॉर्ट का मैनेजर हमारे कमरे में आया था तो उसकी नजर इन चूड़ों पे पड़ गई और वो समझ गया कि हम मेरा मतलब है अब कोई नई नवेली दुल्हन ही तो चूड़ा पहनेगी ना। हाय रब्बा, मैं भी कितनी बड़ी झल्ली हूँ, इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। योर ऑर्डर सर। एक काम कीजिए, आप पहले दो सूप लेकर आइए, मेरे लिए स्वीट कॉर्न सूप और मैडम के लिए वेज मंचो ना। एक स्वीट कॉर्न सूप और एक वेज मंचो, बाकी ऑर्डर मैं बाद में करता हूँ। ओके सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके चूड़ों की। सिमरन, वैसे अगर आपको पता भी होता तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि चूड़ों को रिमूव करने के लिए एक खास रस्म होती है और उस रस्म के बिना चूड़ा उतारना बहुत अशुभ माना जाता है। अच्छा जी, आपको रीति रिवाजों की बहुत समझ है। अरे मैं अपना मोबाइल तो रूम में भूल आई। डोंट वरी, जब तक वेटर सूप लेकर आता है मैं आपका फोन लेकर आता हूँ, तब तक आप इस म्यूजिक और एम्बियंस को एंजॉय कीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या हम आपके साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं? अरे भाई, इसमें कौन सा पूछने वाली बात है, आज मैडम के साथ थोड़ा टाइम हम भी बिता ही लेते हैं। तो भाई देर किस बात की? आओ भाई। हाँ जी मैडम, तो फिर क्या खाएंगी डिनर में आज?